सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम नामक मूल तत्व में मुख्य रोजनामचा में जो मुख्य रोजनामचा में आने वाली समावेश होने वाली व्यवहार है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट तीन वीडियो में देख लिए थे तीन उसके व्यवहार, अभी हम चौथा व्यवहार देखेंगे। चौथा व्यवहार है अंतिम प्रवश्य। अंतिम प्रवश्य किसे कहते हैं? जो हिसाबी वर्ष के अंत में खाते बंद करके जो प्रवश्यियाँ की जाती है उसे अंतिम प्रवश्यियाँ कहते हैं। हिसाबी वर्ष में वर्ष के अंत में माल खाता और माल खरीद खाते से संबंधित जो खर्च है वो बंद करके व्यापार यानी ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं, और उपज और खर्च यानी इनकम और एक्सपेंसेस जो खाते होते हैं उनको बंद करके P&L अकाउंट में लेके जाते हैं। इस प्रकार जो प्रवृत्तियाँ की जाती है हिसाबी वर्ष के अंत में उनको बंद करके उनको हम अंतिम प्रवृत्ति कहते हैं, और वो सभी प्रवृत्तियाँ मुख्य रोजनामचा में लिखी जाती हैं। तो इसका हम एक संभी ले लेते हैं उसको और समझने के लिए, इनकी प्रवृत्तियों को मुख्य रोजनामचा में किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसका सम ले रहे हैं, सम नंबर 9 पेज नंबर 200। उस पे हमको निम्नलिखित खातों को बंद करने के लिए प्रविष्टियाँ लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर पहले प्रविष्टि में दिया गया है कि ब्याज खर्च खाता बंद करना है। ब्याज खर्च खाता 1000 रुपये से हमको क्लोज करना है। तो यहाँ पर ये खर्च है, एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अभी इसका बीन्स हमारे यहाँ पर सब में सही नहीं रहेगा, बीन रहेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर। ये रहेगा हमारा सपने बैंक, यानी जहाँ पर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ आएगा ट्रांसफर टू P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो भी आएगा। और यहाँ पर बिंग्स आपको सब जो भी ट्रांजेक्शन में कराओगे उसकी बिंग्स आपको खुद से लिखनी है। यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन खत्म, यहाँ पर दीजिएगा एक लाइन। दूसरा देख लेते हैं कि हमको कौन सा जो खाता है बंद करना है। हमको खाता है दूसरा बंद करना, बिक्री वापसी वापसी खाता हमको क्लोज करना है। बिक्री वापसी खाता ये हमारा किसमें आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, माल से संबंधित खाता है, तो इसको करेंगे क्लोज किसके द्वारा? ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अभी हम कर लेंगे तीसरा ट्रांजेक्शन जो जिसमें कहा है खरीद वापसी खाता 2000 का। खरीद वापसी खाता ये भी कौन सा, किसका माल से संबंधित खाता है? तो ये भी आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट
परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि परचेस रिटर्न हमारा डेबिट अमाउंट होता है और परचेस रिटर्न हमारा ये हमारा क्रेडिट अमाउंट होता है जिसको हम डेबिट करके उस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे थर्ड ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 2000 से भाग किया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2000। ये हुआ ट्रांजेक्शन खत्म। यहाँ पर आपको लाइन लगा देंगे। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ हमको खाता कौन सा बंद करने के लिए बोला है, प्राप्त ब्याज खाता। प्राप्त ब्याज खाता ये किस प्रकार का खाता है, तो पीएनएल आने पे खर्च उपज का खाता है। खर्च उपज खाते के सभी व्यवहार किसमें ट्रांसफर किए जाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसका इंटरेस्ट, इसका जो एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव टू पीएनएल। दूसरा व्यवहार है विज्ञापन खर्च खाता। विज्ञापन खर्च खाता ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसको भी हम बंद कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। ये हमारा खर्च है इसलिए हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो इसका एंट्री रहेगा प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस
अकाउंट में इसका ट्रांसफर होगा। अभी पी एन एल अकाउंट में ये वैसे डेबिट बैलेंस होता है तो इसको क्रेडिट करेंगे। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट करेंगे और पी एन एल अकाउंट को क्रेडिट। खरीद खाता बंद करना है। खरीद खाता यहाँ पर माल से संबंधित है तो माल से संबंधित सभी व्यवहार किसमें ट्रांसफर किए जाते हैं तो व्यापार खाते में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेज करने से डेबिट बैलेंस होता है तो अभी इसको क्रेडिट करके इसको क्लोज कर देंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। किस अमाउंट से यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो 5000 यहाँ पर ये सम कंप्लीट होता है। अभी इन सब का टोटल हमको टोटल करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। इन सब का टोटल रहेगा 28000। तो यहाँ पर टोटल करके लिख देना है 28000। यहाँ पर ये 9th सम कंप्लीट होता है। उसके अगले के अगले व्यवहार अगले वीडियो में देखेंगे और इसी प्रकार जो हमने अभी तक जो सम्स किए हैं उससे रिलेटेड एक सम है जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है क्योंकि अगले हमने जो दो व्यवहार पढ़े तीन व्यवहार पढ़े तो उनसे रिलेटेड ही 7th क्वेश्चन पूरा है। सब मिक्स में दिया हुआ है आपको वो खुद से करना रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। बाकी के